क्या था, कभी आए थे बच्चे, कितने साल की थी? ये पेशेंट जो हमारे पास आई, ये बच्ची 11 महीने की है। पेरेंट्स जब उसके माता पिता जब उसको हमारे पास लाए तो वो काफ़ी रो रही थी, काफ़ी स्ट्रेस में थी। पेरेंट्स के हिसाब से जब हमने हिस्ट्री लिया या पूछने के बाद उन्होंने बताया कि बच्ची ने जो बेड पे पड़ा एक सेफ्टी पिन था, शायद वो निकल लिया है। ये हिस्ट्री सुनते ही हमने इमीडिएटली उसका एक्सरे करवाया। अब आप देख सकते हैं इस एक्सरे में ये पिन जो है ये ओपन है, सेफ्टी पिन, और वो उसके इसोफेगस यानी खाने की नली में ऊपर अटका हुआ है। हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर सतीश ने ट्राई किया कि उसे मैगिल फोर्सेप यूज़ करके बाहर निकालें, लेकिन क्योंकि वो ऊपरी कोना तिरछा था या अटका हुआ था, वो बाहर नहीं निकाल सकते थे। उसके बाद हमने एंडोस्कोपी, जो कि एडल्ट एंडोस्कोपी है, उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि जो बायोप्सी लेने के लिए चैनल्स होते हैं वो पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी में इतने बड़े नहीं होते। उसके बाद आप देख सकते हैं एंडोस्कोपी के इमेजेस आपके सामने हैं। ये पिन जो है, ये जो खाने की नली है उसमें अटकी हुई है। इसको बाहर से मैं ऐसे ऊपर से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो चीरते हुए ऊपर आ जाएगी। तो हमने दूसरा जो चीज़ इस्तेमाल किया वो है फोर्सेप्स यानी कि रैट टूथ। उसको पिन को हमने पेट में लिया और जो दूसरा किनारा है उसका, जिसके स्पाइरल एंड कहते हैं, वो पकड़ते हुए हम उसको बाहर लेके आए। इसके लिए हमने हुड का भी इस्तेमाल किया, जिससे कि वो जो नुकीली चीज़ है वो वापस से कहीं वॉल यानी कि इसोफेगस या खाने की नली के इसमें ना अटके, और सक्सेसफुली हमने उसको बाहर निकाला। इसके पश्चात हमने उसका एक सिटी स्कैन किया, क्योंकि ऐसे केसेस में परफोरेशन यानी कि वॉल को चीरते हुए दूसरे श्वास की नली में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट सिटी स्कैन नॉर्मल आया। हमने रात भर उसको ऑब्जर्वेशन में रखा और अगले दिन सुबह उसको डिस्चार्ज दे दिया। कितने घंटे ऑपरेशन चला? ये करीब 20 मिनट का प्रोसीजर था और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली ये प्रोसीजर हमने कर लिया। पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप, कि क्या सलाह देंगे? आप 24 घंटे तो बच्चों की निगरानी नहीं रख सकते, माता पिता कितने भी यू नो अलर्ट हों, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो घर पे ऐसी नुकीले चीज़ बच्चों के आसपास ना लगे, चक्कू जैसे नुकीले ऑब्जेक्ट्स थोड़े दूर रखें या ऊंचाई पे रखें। तीसरा जो सबसे डेंजरस और एक चीज़ होती है जो बच्चे अक्सर निगल लेते हैं, वो होता है बटन बैटरी, जो कि आपके वॉच में इस्तेमाल की जाती है, आजकल टॉयज़ में आती है। तो ऐसे टॉयज़ को या तो टेप मार के रखें या तो फिर ऐसे टॉयज़ घर पर लाए नहीं। और अगर आपको लगता है कि बच्चे ने ये चीज़ खा ली है, अगर बिल्कुल भी शक हो तो तुरंत ऐसे अस्पताल ले जाए जहाँ पे ऐसी सुविधा उपलब्ध हो, जहाँ की एंडोस्कोपी हो, एक्सरे हो, जिससे कि वो जो भी चीज़ है वो तुरंत बाहर निकल सके।